ऑटोमेटिक चार्जर है। अच्छा, इसमें खुद ही कनेक्ट होगा, कोई डिसकनेक्ट होगा ये इसमें आप सिर्फ बैटरी में लगा ले। कभी कभार आप अगर आपकी बैटरी फुल हो जाती है तो ये उससे करंट डिसकनेक्ट कर लेता है। एक ये है आमिर खान सोलर का अपना चार्जर, तो ये मोटर आप लगा ले पूरे महीने में भी आपके 5 यूनिट ड्रॉप नहीं होंगे। जितना पूरे महीने में नहीं होंगे, पूरे महीने में नहीं होंगे। 12 वोल्ट से चलने वाला ये मोटर बिल्कुल मतलब फ्री में आपका कमरा ठंडा रहेगा। ये पंखा जो है यहाँ से जब हवा खींचेगा, सराउंडिंग गीला होता है तो इसका ठंडा होगा, बर्फ डाला हुआ होगा एक कटोरी के बकदर, तो वो इंशाल्लाह उसका भी ठंडा ही रहेगा, तो फिर वो ठंडी हवा फेंकेगा। और अगर आपके घर में बर्फ भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ इसमें पानी डालें, पानी से भी आपके पूरे कमरे को ठंडा कर लेगा। कीमत मैं आपको बता दूं, कीमत इसकी सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए है। 3,000 रुपए? हाँ, 3,000 रुपए में आप अपने बच्चों के लिए छोटा सा एसी घर में रख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ सुपर हाईवे पर मौजूद न्यू सब्जी मंडी। हम आए हैं सब्जी मंडी के करीब मौजूद बिस्मिल्ला मार्केट, जहाँ पर है ये एक जबरदस्त होल सेल शॉप। इसका पूरा इंट्रोडक्शन तो हम आपको देंगे आगे वीडियो में। आप वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मस्ट है मस्ट। आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को यहाँ की लोकेशन गाइड कर दें। ठीक है, असल में हमारी शॉप जो हम लोगों ने खोली है ये शहर से जरा दूर हम लोगों ने साइड पर खोली है, ताकि लोग यहाँ पर आकर बिल्कुल एक रिलैक्स पुरसकून माहौल में तसली से खरीदारी करते हैं। जो सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के बराबर में बिल्कुल बिस्मिल्लाह मार्केट है जी। तो जो इंटर होंगे आमिर खान सोलर के नाम से आपको हमारी शॉप मिलेगी, जिसमें हर किस्म के एसी डीसी पंखे सर्किट सोलर कूलर वगैरह, यानी 12 वोल्ट के वाट के 12 वोल्ट के जितना भी सामान है वो सब हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सही है। तो आप ये बताइए कि आप ऑनलाइन में डील करते हैं? जी हाँ, हम लोग कोई जब फोन करता है तो हमारे पास अपने बाइकिया वाले भी होते हैं, रिक्शे वाले भी होते हैं, तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 0313-86-21908 और 0332-120-7323। इस नंबर पर अगर कोई भी चाहता है कि हमें अपने घर की दहलीज पर पंखा वगैरह मिल जाए तो हम उससे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। फिर रिक्शे वाला जो है हम उनके पास भेज देते हैं, उनका सामान देकर वो रिक्शे वाले का किराया और हमारी पेमेंट जो है वो दोनों रिक्शे वाले को दे देते हैं और माल उनको उनके घर के दहलीज पर ही पहुंच जाता है। और देखिए व्यूअर्स, ये नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इनसे उसके जरिए रब्ता कर सकते हैं और इन्हें ऑर्डर दे सकते हैं। आजकल कराची में जो मौसम चल रहा है बादल ही बादल होते हैं, जिन लोगों ने सोलर लगाए वो भी परेशान हो रहे हैं कि हमारी बैटरियां चार्ज नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, तो उनकी परेशानी के हल के लिए आमिर खान सोलर ने आपके लिए अपने नाम से एक बहुत ही उम्दा चार्जर बनाया है। अच्छा, इससे आप बिजली से भी आर्धी तौर पर अपनी बैटरियां चार्ज कर सकते हैं। आमिर खान सोलर के नाम से ये हम लोगों ने अपना ऑटोमेटिक चार्जर है। अच्छा, इसमें खुद ही कनेक्ट होगा, कोई डिसकनेक्ट होगा ये इसमें आप सिर्फ बैटरी में लगा ले। कभी कभार आप अगर आपकी बैटरी फुल हो जाती है तो ये उससे करंट डिसकनेक्ट कर लेता है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसमें ये दिया गया है, अगर आप बिजली में इसको लगा लोगे तो चार्जर, अक्सर अमूमन लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा चार्जर ज्यादा चलता नहीं, वो बिजली में लगा लेते ये दो चिपटी आपस में जुड़ी हुई होती है तो चार्जर फौरन जल जाता है। इसमें हम लोगों ने जो एक पॉइंट रखा है, ऑप्शन हम लिखा, आप इसको बिजली में लगा लोगे आपका चार्जर ही ऑन नहीं होगा जब तक आप ये चिपटियां उठाकर बैटरी में ना लगा लो। बैटरी में लगा लोगे यहाँ से 12 वोल्ट करंट इसको मिलेगा, आपका चार्जर ऑन हो जाएगा, ये परेशानी आपकी खत्म हो गई। और जब आपकी बैटरी फुल हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली उससे करंट डिस्कनेक्ट कर देगा। हाँ, मतलब दोनों आपको वायर लगा के, मतलब इसको बैटरी से भी लगा के रखना है और वो भी लगा के रखना बिजली है से भी, हाँ बिजली से भी लगा के रखना है तो ये बैटरी को चार्ज करता जाएगा। अच्छा, सही है। और जब चार्ज हो जाएगा तो खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आजकल आपको पता है यहाँ पर बैटरियां बहुत ज्यादा महंगी हो गई जी, इसकी प्राइस बताइए। ये 3,100 रुपए का है, 3,100 यानी 3,100 रुपए का ये चार्जर है। आजकल आपको पता है बैटरियां बहुत ज्यादा महंगी हो गई, अगर आप कोई ऐसा चार्जर लगा लोगे कि आप वो करंट देता जाए तो बैटरियां जो है उसके प्लेट खराब हो जाएंगे। तो ये जो चार्जर है कितनी बड़ी बैटरी के लिए यूज हो सकता है? ये तकरीबन बड़ी से बड़ी बैटरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है
छोटी बैटरी होगी वो जल्द चार्ज होगी, ये उससे करंट डिस्कनेक्ट कर लेगा। सही है। बड़ी बैटरी होगी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, चार्ज करता जाएगा। कहां तक मतलब कहां तक? बैटरी फुल भी हो जाए तो तकरीबन ये खुद ही उससे डिस्कनेक्ट कर लेगा। 200 एम्पीयर तक बैटरी को, 200 एम्पीयर तक, हाँ बिल्कुल, छोटी से छोटी बैटरी से लेकर 200 एम्पीयर तक ये बैटरी को आसानी से चार्ज करेगा। और ये है आमिर खान सोलर का अपना चार्जर। ठीक है। अच्छा एक और चीज भी मैं बताना चाहता हूँ, चूंकि लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बिजली बचत का मसला है। हमारे घरों में सबसे ज्यादा जो है पानी की मोटरें भी बहुत ज्यादा चलती है, अगर आप उसको 220 पर चलाओगे तो आपका बिजली का बिल जो है वो बहुत ज्यादा आएगा। तो उस तरह यानी सफेद पोश बंदा तो इस परेशानी में है, वो तो छोड़े उससे परेशान नहीं हो रहा हमारे बिजली ही कट ना जाए, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल जो हम लोगों ने पानी का मोटर जो है वो भी बहुत ज्यादा बिजली खींचता है। आप लोगों ने अपने घरों में भी ये महसूस किया होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने जो ये डोंकी पंप चलता है वो आपके घर वाले में जो यहाँ पर बिजली का मोटर लगा हुआ होता है, तो आप अपने घर वाले से सिर्फ यहाँ पर जो बिजली का मोटर है वो निकालेंगे, ये मोटर हम आपको दे देंगे जो कि 12 वोल्ट से चलने वाला है। अच्छा बैटरी से चलने वाला है। अब बैटरियां भी इतनी महंगी हो गई कि लोगों के पहुंच में बैटरियां भी नहीं है, तो उस काल निकालने के लिए आपके घर में बिजली तो होगी। ये सप्लाई हम लोग लाए हैं, ये मोटर आप लगा ले और इसमें ये 12 वोल्ट की सप्लाई लगा ली, इसको 220 बिजली दे दे। अच्छा तो यहाँ से 12 वोल्ट का करंट निकालेगा, यानी के कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 12 वोल्ट में और वो इसको चला लेगा। ठीक है। अच्छा इसमें मजे की 220 वोल्ट जो है वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी वजह से। इसकी वजह से ठीक है। तो आपका मोटर 12 वोल्ट पर चलने लगेगा, बिजली आपकी कम खर्च होगी कम। और इसमें मैं आपको एक मजे की बात बताने वाला हूँ, वो बात ये है, अब देखिए अगर आपका बिजली का मोटर चल रहा है पूरे दिन में, अगर आपके 10 यूनिट ड्रॉप हो रहा है जी, तो ये मोटर आप लगा ले पूरे महीने में भी आपके 5 यूनिट ड्रॉप नहीं होंगे, जितना आप पूरे महीने में नहीं होंगे, पूरे महीने में नहीं होंगे। 12 वोल्ट से चलने वाला ये मोटर, यानी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कराची वाले जो है मैं उनकी तमाम परेशानियों का हल निकाल, जस्ट बिकॉज इसकी वजह से, सप्लाई की वजह से और इस मोटर की वजह से। मेन चीज तो मोटर ही है, मोटर वो बेल्ट घुमाता जाता है पानी आप जिधर। और एक बात इसमें और भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये मोटर आप कहोगे कि ये पानी नहीं पहुंचाएगा जहाँ पर, हाँ। मतलब जो बिजली वाला मोटर काम कर रहा है सेम टू सेम ये भी वही काम करेगा। अच्छा। अगर बिजली वाला मोटर आपकी टंकी को 2 घंटे में भर रहा है तो ये भी 2 घंटे में ही भर लेगा, वो 2 घंटे में अगर आपके 10 यूनिट ड्रॉप हो रहे हैं तो ये पूरे महीने में भी 10 यूनिट ड्रॉप नहीं करेगा, यानी बिजली की इतनी बड़ी बचत है। तो इसमें आप परेशान नहीं हो कि टाइम इतना ले रहा है वो जितना बिजली वाला, लेकिन बात ये कि यूनिट खर्च नहीं हो रहा है यूनिट आपके, और ये नहीं है कि वो 2 घंटे में और ये 4 नहीं, टाइम भी उतना ही ले रहा है, टाइम उतना ही ले रहा है। मतलब इसकी क्या वारंटी है कोई? इसकी ये तो असल में आते हैं कंप्यूटर में लगे होते हैं, अगर अगर किसी के पास कंप्यूटर वगैरह है ये सर्वर की सप्लाई होती अच्छा, है। अच्छा इसकी तो, मोटर की क्या प्राइस है? मोटर आपको पड़ेगी, ये पड़ेगी आपको 4,500 की बेस्ट वाली। लेकिन ये अलग अलग पंप होते हैं ना, साइज अलग अलग होते हैं, मसला नहीं है, जो भी साइज का अलग अलग मोटर की साइज भी अलग होंगे। हमने कोशिश की है ये आते हैं काबुली मोटर जी, हम कोशिश करते हैं वहाँ से जो ज्यादा पावर वाले मोटर है हमारा नुमाइंदा जाता है वो ज्यादा पावर वाले मोटर इकट्ठी करके हमारे पास ले आता है, फिर हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसकी कीमत भी तो बताइए। ये कीमत आपको 4,500 रुपए है और इस सप्लाई की कीमत सिर्फ और सिर्फ 2,200 रुपए है। 2,200 रुपए, 4,500 यानी आपको पड़ेगी 6,700 रुपए की सप्लाई और वो दोनों पंप तो ऑलरेडी आपके पास पड़ा होगा। मैं सिर्फ इस मोटर की कीमत बता रहा हूँ, ये अपने व्यूअर को बता दे, कभी कभार वो शिकायत करते हैं कि आपने तो कोई आपके पास से पंप भी, अगर कोई आपके पास से पंप भी लेने चाहता तो वो भी ले सकते हैं क्योंकि आपके पास है। अगर किसी के पास पंप नहीं जी है जी। वो मोटर और पंप दोनों हम लोगों से लेना चाहते हैं, उसकी कीमत होगी 11,500 रुपए, इसके अलावा सप्लाई के अलावा 2,200 आप उसमें ये ऐड कर ले, यानी ये पैसे आपको सिर्फ और सिर्फ एक महीने का बिल बचत हो जाए, सही में आपकी रिकवर हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, बेहतरीन। और अब आप क्या एक और नई चीज दिखाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को? इसके अलावा हमारे पास जो एक बहुत बेहतरीन चीज पड़ा हुआ है, गर्मियों का तोड़ जी। हम लोगों ने बहुत ही सस्ते में गर्मियों का तोड़ जो अब जिन कमरों में होता है वहाँ पर आप जो भी पंखा लगा लो वो पंखा जितना भी कीमती हो वो गर्म हवा ही फेंकता जाएगा। जी जी सही तो बात है। लिए अब लोगों के पास इतने पैसे तो है नहीं कि एसी ले, एसी लगा, चलो एसी भी लगा लेंगे, उसका बिल बिल बहुत आता है, इन्वर्टर लगाओ फिर भी बिल आता है, फिर भी बिल बहुत ही ज्यादा आता है। सही। तो उसका एक आसान साल हम लोगों ने निकाला, ये देखिए एक ड्रम कूलर का नाम हम लोगों ने इसको दिया हुआ है, इसके अंदर पानी होता है
यहाँ से देख ले, एक पंखा इसमें मौजूद होता है। अच्छा। इसके ऊपर यहाँ पर ढकना रख लेंगे, पानी इसके अंदर होता है, मोटर इसके इर्द गिर्द को, ये जो सराउंडिंग है इसकी, इसको गीला कर लेंगे। अगर इसमें आप बर्फ डालोगे तो जो एसी आप 26 पर चलाते हो उसी तरह ठंडी हवा गारंटी। अच्छा, मतलब कमरा जो कितने बाय कितने फीट का कमरा, 10 बाय जितना भी कमरा हो, 10 बाय 10 का कमरा ठंडा हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा और आपका पंखा ठंडी हवा भी देने लगेगा और ये जो कमरे में आप रखोगी वो कमरा भी फुल ठंडा हो जाएगा। इसमें जो मोटर लगी है वो कितनी बिजली खींचेगी? अच्छा, इसमें इसमें लगाई 12 वोल्ट का मोटर है, जिस तरह पेडिस्टल 12 वोल्ट वाला पंखा 3 एम्पियर का होता है। सही, मतलब ये समझ ले कि ये आपका फ्री में चल रहा है, पंखे के बराबर ही, पंखे से भी कम अपना करंट खींच रहा होगा, बिल्कुल मतलब फ्री में आपका कमरा ठंडा रहेगा। दिखाएं इसे, अंदर से दिखाइए। यहाँ देखिए, हम लोगों ने इसमें पानी भी डाला हुआ है, यहाँ पर मोटर है, यहाँ से पानी उठाकर ये साइडों पर फेंकता है तो इससे ये जगह गीले हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ढकना लगा होता है ऊपर से, ठीक है। अच्छा, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, इसको नीचे एक ठप लगा हुआ, उसी यहाँ तक तो फैन आ रहा है। बिल्कुल, तो ये पंखा जो है यहाँ से जब हवा खींचेगा, सराउंडिंग गीला होता है तो इसका ठंडा होगा, बर्फ डाला हुआ होगा एक कटोरी के बकदर, तो वो इंशाल्लाह उसका भी ठंडा रहेगा तो फिर वो ठंडी हवा फेंकेगा। और अगर आपके घर में बर्फ भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ इसमें पानी डालें, पानी से भी आपके पूरे कमरे को ठंडा कर लेगा। नजर आ रहा है, ये देखिए आप, बस इतना कम पानी डलता है उसमें। अच्छा, और इसकी कीमत मैं आपको बता दूं, कीमत इसकी सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए है। 3,000 रुपए? हाँ, 3,000 रुपए में आप अपने बच्चों के लिए छोटा सा एसी घर में रख सकते हो। शानदार, बिल्कुल, जिनके बच्चे गर्मी में तड़प रहे उनके लिए ये मेरी तरफ से खास तोहफा है। बिल्कुल कम कीमत में, सिर्फ और सिर्फ 3,000 में आपके कमरे में, अगर आपसे, अगर आपका मकान बेस्ट ओपन नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, आजकल तो वैसे ही फ्लैट सिस्टम होता है या छोटे छोटे पोर्शन होते हैं, लोगों के परेशान होते हैं लोग, गर्मी होती है। हम लोग तो कराची में आए हुए, हमें तो 18 घंटे बहुत सारे एरिया जैसे 18 घंटे लोड शेडिंग है, 18 घंटे लोड शेडिंग होती है और ये आपके लोड शेडिंग में भी चलता रहेगा, सिर्फ एक छोटी सी बैटरी इसके लिए लगा ले या एक सोलर प्लेट लगा ले ये उसमें। और इसके अलावा हमारे पास सोलर प्लेटें भी है, पेडिस्टल पंखे भी है, जो कि इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में तफसील में आपको सब सही है बता दूंगा। आपने फुली टारगेटेड किया है बिजली को, असल में कि बिजली के बिल जो इतने ज्यादा आ रहे हैं और लोगों को जितना आप कंफर्ट दे सकते हैं और अफोर्डेबल प्राइस में उनके लिए आपने सब कुछ, मतलब आपने फैन भी अपने मैन्युफैक्चर करवाए हैं, आपने ये रूम कूलर भी बनवाया है और आपने चार्जर भी बनवाए हैं, तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह ताला इसी तरह आपके रिस्क में ही बरकत दे और लोगों को इसी तरह आप आसानियां बांटते रहें। अगले वीडियो में मैं आपको इस्त्री भी दिखा दूंगा, जो कि आप कहेंगे कि अगर आपके घर में ऑफिस से देर हो रही है और बिजली नहीं है, आप अपना इस्त्री भी 12 वोल्ट। बेहतरीन, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं वो भी बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।